सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको रॉयल्टी और गारंटर का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, रॉयल्टी पता क्या होती है, आप किसी का नाम इस्तेमाल करते हो और बदले में उसे कुछ पैसे दे देते हो, कुछ परसेंटेज आपकी एग्रीमेंट हो गया, डिसाइड कर लिया आपने कि भाई मैं आपको तेरा नाम यूज़ कर रहा हूँ, तेरे ब्रांड का नाम यूज़ कर रहा हूँ, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा मंथली एनुअली जितना भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, और बदले में जो आप उसको पैसे दे देते हो उसे बोलते हैं रॉयल्टी। आप एनुअली दे रहे हो, मंथली दे रहे हो, जितने भी उसे दे रहे हो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैकडोनल्ड यूएसए से स्टार्ट हुआ, केएफसी मैकडोनल्ड यूएसए से स्टार्ट हुए, पर अभी उनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इंडिया पाकिस्तान में भी हैं। तो ये जो फ्रेंचाइजी लोग उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट डिफरेंट, ना इन्वेस्टमेंट सारी उनकी है, इंडिया के लोगों की है, उन्होंने फ्रेंचाइजी खरीदी है खुद की इन्वेस्ट करके, खुद पैसे इन्वेस्ट करके, और बदले में जो उनका नाम यूज़ करके प्रोडक्ट बेच रहे हैं और प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उनका नाम यूज़ करना मैकडोनल्ड और केएफसी का, उनको कुछ पैसे देते हैं। तो वो जो पैसे उनको दे रहे हैं ना, मेन जो हेड ऑफिस है मैकडोनल्ड का, केएफसी का, जो सारी दुनिया के फ्रेंचाइजी को रन कर रहा है, उनको पैसे देते हैं। तो वो जो उनको पैसे दे रहे हैं ना उनके नाम के, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। इसी तरह एक पर्सन है, उसने किताब लिखी है, वो किताब उसने खुद लिखी, अपने हाथों से राइट की है, और एक उसने किताब लिख के उसने प्रिंट निकाल दिया है। अभी वो जो प्रिंट है ना वो पब्लिशर को दे देता है, वो पब्लिशर क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा सी 1000 बुक जो है उन्होंने प्रिंट करवा ली है और वो 1000 बुक उनकी सेल हो गई है। तो वो पब्लिशर का जिसने बुक को राइट किया है, जिसने खुद उसको बनाया है, वो अभी देखें राइट करने के बाद ना वो पेटेंट करवा लेता है बाद में। ये भी हो सकता है कि पब्लिशर अपने नाम से छाप दें, जो मैकडोनल्ड ने अगर पेटेंट ना करवाया होता पाकिस्तान इंडिया में के अपने नाम को, तो ये भी हो सकता था कोई और मैकडोनल्ड से ओपन कर लेता, वो कहता भाई मेरा आइडिया था, मैंने इधर मैकडोनल्ड ओपन किया, तूने उधर किया तो मेरा क्या जाता है, तूने उधर किया है ना। तो पेटेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो पेटेंट करवा लिया नाम, तो उस ऑथर ने, उसने राइटर ने भी अपना जो नाम है वो पेटेंट करवा लिया। अभी वो बुक जो है ना वो पब्लिशर जितनी भी बुक सेल करेंगे उसके साथ एग्रीमेंट हो जाएगा राइटर का कि भाई इतनी सेल हुई तो इतना परसेंट प्रॉफिट मुझे देना है हर बुक में से। फॉर एग्जांपल 300 रुपये की बुक सेल कर रहे हो आप, तो बीच में से 20 रुपये या 30 रुपये हर बुक के ऊपर मुझे चाहिए। तो इसको बोलते हैं उसके, उसने लिखी है, उसकी मेहनत है, उसके वर्क के ऊपर जो परसेंटेज हम उसे देते हैं, कुछ प्रॉफिट देते हैं, जो एग्रीमेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। अभी नेक्स्ट आ जाता है ग्रंटर। देखें ग्रंटर पता क्या होता है, सिंपल सा है, जो गारंटी देता है कि बॉरर की गारंटी देता है लैंडर को। अभी लैंडर क्या होता है, जो उधार दे रहा होता है, और बॉरर क्या होता है, जो उधार ले रहा होता है। तो अभी लैंडर जो है, आप किसी की बैंक के पास जाते हो, बैंक को बोलते हो मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, बैंक कहता है चलो ठीक है मैं आपको 1 लाख रुपया दे देता हूँ, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि आप मुझे 1 लाख रुपया लौटा दोगे। तो वो एक तीसरा पर्सन आता है, वो उसका बैंक में पहले से अकाउंट बना हुआ है, ओपन हुआ हुआ है, वो कहता है देखें भाई मेरा अकाउंट बैंक में पहले से ओपन है, अगर ये पर्सन आपको पैसे नहीं देगा आप मेरे बैंक अकाउंट से पैसे काट लेना, या मैं आपको अपने जो घर के डॉक्यूमेंट हैं वो दे देता हूँ, अगर इसने पैसे ना दिए आप मेरे घर के डॉक्यूमेंट रख लेना। तो जो तीसरा पर्सन जो बॉरर की, उधार लेने वाले की गारंटी लेता है कि अगर इसने पैसे ना दिए मैं दूंगा, इसको हम बोलते हैं ग्रंटर।